वेलकम टू माई चैनल मैजिस्टिक होम में फिर से आज आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 3 BHK का फ्लोर लेके आई हूँ जो मोहन गार्डन में ए ब्लॉक में पड़ता है, गेटेड सोसाइटी में है। 40 से 50 फुट चौड़ी गली है, मेट्रो से सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे। अगर मैं बात करूँ फैसिलिटीज़ की तो ये इंडिपेंडेंट फ्लोर है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स और बहुत ज़्यादा व्यूवर्स की मेरी डिमांड होती है, मैम इंडिपेंडेंट फ्लोर बताओ। तो इंडिपेंडेंट फ्लोर है और प्लस पॉइंट ये है कि ये जो फ्लोर है ये टॉप का फ्लोर है, विद रूफ के साथ आपको मिल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो आ चुकी हूँ मैं अपने लिफ्ट एरिया के पास। तो ये है मेरा लिफ्ट एरिया, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ ये लिफ्ट है जो अभी आएगी, आप देखिएगा प्लीज़। इट्स अ वेरी डिसेंट ग्लास डोर ऑफ लिफ्ट, इट्स अ वेरी लेटेस्ट डिज़ाइन ऑफ लिफ्ट। अगर मैं बात करूँ स्टेयर्स की तो ये स्टेयर्स एरिया है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। जो सामान लिफ्ट में नहीं आ सकता आप स्टेयर्स में लेके आ सकते हैं। तो लिफ्ट आ चुकी है फाइनली, सो यू कैन सी द लिफ्ट ऑफ ग्लास डोर। अंदर बहुत ही अच्छा इंटीरियर हुआ पड़ा है लिफ्ट के अंदर भी। अगर मैं बात करूँ इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल लिफ्ट है। सो दिस इज़ द स्टेयर्स विच इज़ गोइंग टू अपस्टेयर्स। तो ये स्टेयर्स हैं जो आपकी ऊपर जा रही हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जब आप कभी भी घर को छोड़ के जाएँ तो आप आउटसाइड से अपनी लाइट्स को बंद कर सकते हैं। तो अब मैं एंटर कर रही हूँ अपने
फ्लोर में. दिस इज़ माई बेसिकली अ फ्लोर ऑफ 3 BHK. तो अगर मैं बात करूँ लॉक डिज़ाइन की, तो लॉक डिज़ाइन आप देख सकते हैं, डोर डिज़ाइन आप देख सकते हैं, बहुत लेटेस्ट है. जिस एरिया में मैं खड़ी हूँ ये है मेरा लिविंग एरिया. यहाँ पे आप अपना LED पैनल लगा सकते हैं, डिपेंड ऑन यू. अगर मैं सोफे की बात करूँ, आपका आराम से 15 सीटर ऑफ सोफा आराम से यहाँ पे एल शेप में आ सकता है. सेंटर में आपका सेंटर टेबल आएगा. फॉल सीलिंग की डिज़ाइन की बात करूँ तो बहुत ही ब्यूटीफुल डिसेंट फॉल सीलिंग है. फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूँ, पूरे घर में ग्रेनाइट की फ्लोरिंग हुई पड़ी है. टाइल्स नहीं है, इसे ग्रेनाइट स्टोन. चलते हैं फर्स्ट कॉमन वॉशरूम में. उससे पहले मैं आपको सिक्योरिटी पर्पज़ पे दिखाना चाहती हूँ. टेलीफोनिक पी जो आप नीचे कोई आपके आएगा तो बजाएगा, एंड यू कैन इजली टू पिकअप द कॉल. और उस पूरी बिल्डिंग में कैमरेज लगे हुए हैं. इस टोटली लाइक अ फील लाइक अ होटल. आप इस तरीके से देखो तो आपको ऐसा फील आएगा जैसे कि एक हम होटल में रह रहे हैं. इट्स अ वेरी साइलेंस टाइप ऑफ बिल्डिंग. अगर आप अपने घर में जाते हैं कहीं भी, पूरे दिन की थकान आपकी बहुत ईजिली उतर जाती है जब आपके घर में एक साइलेंस माहौल होता है. तो नाउ आई एम ज़्यादा बात ना करते हुए मूविंग टू माई कॉमन वॉशरूम. तो ये है मेरा कॉमन वॉशरूम, देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है. शेस है. टाइल्स की अगर मैं बात करूँ, बहुत सुंदर वॉश बेसिन, पैकिंग में इंग्लिश पॉटिंग, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा शावरिंग, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट जो हमें एक वॉशरूम में ज़रूरत है. सो डोर की डिज़ाइन की बात करूँ, बहुत ही अच्छा डोर डिज़ाइन है, डिसेंट है. अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में. मैं फर्स्ट बेडरूम विच यू कैन एबल टू मेक द, इसमें अगर मैं आपको जो एक अलमीरा दी है, दिस इज़ स्पेशियस अलमीरा, काफ़ी स्पेशियस अलमीरा है. मैं फॉल सीलिंग की बात करूँ, आप देखिए फॉल सीलिंग कितनी अच्छी फॉल सीलिंग है. यहाँ पे ऑलरेडी एक विंडो है, यहाँ पे 3 विंडोज़ दी हुई हैं, ग्लास डोर विंडोज़ भी है. एसी यहाँ पे आप पुट ओवर कर सकते हैं. वॉलपेपर की बात करूँ तो बहुत ही डिसेंट सा वॉलपेपर है. यहाँ पे आप अपना LED चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ LED पैनल लगा सकते हैं TV के लिए. यहाँ पे आपका बेडिंग आ सकता है. इससे अगर आप चाहें तो इसको मंदिर रूम भी बना सकते हैं, क्योंकि इस रूम को जो हमने डेकोरेट किया है वो येलोइश कलर में किया है. अगर आप चाहें तो चिल्ड्रन रूम बना सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा स्पेशियस, बहुत ही सुंदर फ्लोर है ये, 120 गज का फ्लोर है. तो ज़्यादा ना बात करते हुए चलते हैं हम अपने किचन एरिया में. ये है मेरी किचन, देख सकते हैं कितना स्पेशियस किचन है. यहाँ आपका बहुत बड़ा ह्यूज साइज़ का फ्रिज आ सकता है, जितना भी बड़ा फ्रिज चाहते हैं. मॉडुलर किचन है. अगर मैं ड्रॉर्स की बात करूँ, आप ड्रॉर्स देख सकते हैं, टोटली ड्रॉर्स है. क्लीनिंग के साथ कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो मॉडुलर, टोटली मॉडुलर किचन है इस तरीके से. तो ये है सारा. यहाँ चिमनी ऑलरेडी आपको पुट करके दूंगी, अभी चिमनी नहीं लगी. अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप अपना RO या गीज़र कुछ भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं. इस चैनल को हटवा के ये आपको प्लेटिंग सिस्टम ऑलरेडी दिया हुआ है. ये आपका विंडो स्पेस है, चिमनी का ऑलरेडी पाइप आउटसाइड है. तो आप देख सकते हैं काफ़ी यूजियस स्पेशियस किचन है. इतनी खुली, इतनी अच्छी किचन शायद आपको कहीं नहीं मिल सकती फ्रेंड्स, दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू. फॉल सीलिंग की बात करूँ, इधर भी बहुत अच्छा लेटेस्ट डिज़ाइन का फॉल सीलिंग डिज़ाइन है. अब हम चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ, वो अटैच करता है वॉशरूम के साथ. तो ये है हमारा सेकंड बेडरूम जिसमें मैं आ चुकी हूँ. तो सबसे पहले आपको अलमीरा का डिज़ाइन दिखाना चाहती हूँ. तो ये यहाँ पे स्लाइडर अलमीराज है, 3, 1, 2 and 3. सो दिस इज़ अ स्पेशियस अलमीरा. अगर मैं स्प्लिट एसी की बात करूँ तो ऑलरेडी वायर्स पुटेड है. फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देखिए, इस टोटल लेटेस्ट डिज़ाइन. यहाँ पे आप अपना बेडिंग, यहाँ पे आप अपना LED पैनल लगा सकते हैं. डिपेंड करता है, अगर आप कहते हैं मैम आप लगा के दो तो डैट विल बी एक्स्ट्रा चार्जेबल. तो यहाँ पे आपका LED पुट ओवर हो जाएगा. विंडो की बात करूँ तो यहाँ विंडो ऑलरेडी एक है, आप विंडो AC भी यहाँ लगा सकते हैं. शाफ्टिंग है, वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है, काफ़ी हवादार खुला मकान है. ये अटैच विद वॉशरूम है. तो देखिए कितना ब्यूटीफुल डिसेंट वॉशरूम है. टाइल्स की बात करूँ, कितने अच्छे डिज़ाइन की टाइल्स हैं. वॉशरूम इज ऑलरेडी अवेलेबल, पॉटिंग ऑलरेडी कोने में है. बहुत अपना अच्छा स्पेशियस, इतना यूज स्पेशियस वॉशरूम. ऑफकोर्स ये बात है, बहुत अच्छा फ्लोर है तो इसको मिस मत करिएगा. ज़्यादा ना बात करते हुए चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम में. तो ये है मेरा थर्ड बेडरूम विच इज़ अटैच विद द बालकनी. मेरा थर्ड बेडरूम इसमें विंडो है, ये अटैच विद बालकनी के साथ है. एल शेप की बालकनी है. अगर मैं बात करूँ फॉल सीलिंग की तो देखिए इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, लाइटेस्ट ग्रीन है. वॉल पेपर की बात करूँ, ग्रीन स्ट्रक्चर में वॉल पेपर है. फ्लोरिंग की बात करूँ, सिमिलर टाइल्स लगी हुई है, सिमिलर ग्रेनाइट की टाइल्स है. LED पैनल डिपेंड करता है आप पे, तो आपके ऑर्डर पर लग जाएगा. तो चलते हैं अपने हम बालकनी की तरफ. और इस बार की बालकनी देखिए आप बहुत खुश हो जाएंगे. आउटसाइड का व्यू देखो आप, कितना ब्यूटीफुल व्यू है. ये टॉप फ्लोर है तो आप देख सकते हैं, ये है मेरी बालकनी वेयर आई एम स्टैंडिंग हियर. पूरी तरह से हवा आ रही है ठंडी ठंडी, और ये एल शेप की बालकनी है. मूविंग कर रही हूँ मैं इस तरीके से. तो यहाँ आप अपना वॉशिंग मशीन रख के अपना ईजिली कर सकते हैं. टैपिंग भी ऑलरेडी अवेलेबल है. आप देख सकते हैं वॉल पर कितनी सुंदर टाइल्स लगी हुई हैं. फ्लोरिंग की बात करूँ, वही सिमिलर टाइल्स हैं. अगर आप आउटसाइड में देखिए कितना अच्छा व्यू है,
30 से 40 फुट रोड है आउटसाइड में, मेट्रो से सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे है। ये है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। ए ब्लॉक के अंदर है, गेटेड सोसाइटी में, रिचर कॉलोनी के अंदर है, मोहन गार्डन के अंदर है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रेट ऑफ कॉस्ट की। ऑफकोर्स ये बात है, कहीं ना कहीं क्लिकिंग ऑफ घड़ी आपके दिमाग में चल रही होगी कि रोशनी मैम ये फ्लैट 100% 1 करोड़ का होगा। नो, इस ऑफर को जाने मत दीजिए। जल्द से जल्द रोशनी मैम को कॉल कीजिए, 8595333 में मुझे कॉल कीजिए। 31,000 रुपीज़ इसका बुकिंग अमाउंट है, 80% लोन इसमें मैं करा के दूंगी। इतना बड़ा स्पेशियस, इतना सुंदर फ्लोर आपको कहीं नहीं मिल सकता। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। लोन की बात है, आप जिस भी बैंक से कहेंगे उस बैंक से मैं आपका लोन कराऊंगी, बट आपके डॉक्यूमेंटेशंस पूरे होने चाहिए। तो वेटिंग फॉर योर कॉल, 8595333 में मुझे कॉल कीजिए। जल्द से जल्द रिचर कॉलोनी में अपने इस घर को बनाइए और अपना सपना साकार कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑलवेज।